रूपचंद मोहनलाल से लेकर छोटू मोटू तक सड़क की ऐसी हालत है कि अपने पैदल चले तो अपने को यानी कि गिरने का डर रहता है। सैटेलाइट के पास में जो बड़ा नाला था उसके अंदर दो एक्सीडेंट हो चुके हैं। आए दिन हमारी गलियों में या पास आसपास के इलाकों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। राम राम गणी गणी खम्मा। मैं आप देशी पत्रकार विजय झलको बीकानेर पर मैं आप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूँ। झलको बीकानेर हमेशा या तो कोई खुशखबरी लावे या कोई नई खबर लावे और समाज में जठे जठे समस्या है, परेशानी है, बीरी समस्या ने झलको टीवी झलको मीडिया हमेशा सबसे पहला उठावे। आज मैं आए रहा जसूसर गेट। जसूसर गेट बीकानेरो पांच दरवाजों में से एक दरवाजो है और अठे क्या क्या समस्या है, कितनी प्रकार समस्या है और लोगों ने क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ रही है, बस सारी ये वीडियो में आप जाना ला कि कहीं कहीं परेशानी हो रही है अठे नागरिका ने और अठे सूजी का रोग निकले यानी क्या क्या समस्या हो रही है, बस सारी जानकारी आपा ई वीडियो में लेवला। अबार आपा जसूसर गेट माथे खड़ा हाँ, अठेरा जी का रहने वाला लोग है, अठेरा जी का रागीर है, अठेरा जी का दुकानदार है, बिया सुबह बात चालू करा। शुभ नाम भाई साहब आपरो? पवन लाल साद, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 56। बीकानेर जसूसर गेट हृदय स्थल जिसो ही है, अबार आज की जगह है, आ बहुत ही हाईलाइट में। अब समस्या क्या क्या है पहला बा बताओ, मेरे बाद में और भी कोई दिक्कत आ रही है मोहल्ले में ई वार्ड में बा भी बताओ। सबसे पहला समस्या तो अबार वर्तमान में पूरे बीकानेर में ही है, जसूसर गेट कोई बीकानेर से अलग है नहीं। सबसे पहली समस्या मैं एक महीने से देख रहा हूँ, पानी की तो मेन है ही जी, और उसमें भी एक बहुत बड़ी मैं प्रशासन से हूँ निवेदन करना चाहूँ। इंसान तो कहीं से भी पानी की व्यवस्था कर सकता है। हमारे यहाँ जसूसर गेट बाहर गौधन पशुधन बहुत ज़्यादा है, दूसरे वार्डों के बनिस्पत जसूसर गेट ज़्यादा है। तो जो पानी की जो खेड़िये बनी हुई है मैं 15 दिन से देख रहा हूँ, बिल्कुल सूखी पड़ी है। बेचारे पशु आंखों से जाग करके निराश होके जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रशासन से ये बड़ी समस्या मानता हूँ कि पशुओं के लिए कम से कम पानी की व्यवस्था खेड़ियों में कराई जाए। दूसरी समस्या, अभी वर्तमान में 3 माह पहले विश्वकर्मा गेट से लेके अपने एडवोकेट जज साहब बद्री प्रसाद जी के घर तक तो सड़क इधर बन गई, उस साइड में रूपचंद मोहनलाल तक सड़क बन गई। ये पिछला जो एरिया है मेन जसूसर गेट का, यहाँ रूपचंद मोहनलाल से लेके जज साहब के घर तक सड़क राजनीतिक द्वेषतावश आज भी 1.5 फुट 2 फुट खड्डे पड़े हैं और आम आदमी परेशान है इस व्यवस्था से। बड़ी समस्या तो ये है। तीसरी समस्या प्रशासन ने स्वयं पैदा कर दी के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, उसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। और शिकायत भी है कि जहां कान के सटे हुए नाला है करीबन 4 फुट गहरा 3 फुट चौड़ा, उस नाले से कोई दिक्कत कोई ट्रैफिक या कोई आदमी चलने की स्थिति में नहीं है। चलो अतिक्रमण के तहत उन्होंने हटा दिया और नाला बिल्कुल नीचे साफ था। मेरा मानना है कि जसूसर गेट से ये नाला बाहर निकल करके ठेठ अपने चूने भट्टों के सामने तक निकल मिलता है, ये जसूसर गेट वाला नाला सैटेलाइट तक। तो उस दरमियान में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए, दुकानदारों का नुकसान किया, वो ठीक है सरकार की व्यवस्था है, हमें कोई शिकायत नहीं है, मगर उस नाले के लिए उसको वापस साफ करके पैक करने की जिम्मेवारी प्रशासन की थी, मगर 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है। और हमने विभागीय आयुक्त महोदय और जिला कलेक्टर ADM सिटी UIT सेक्रेटरी को इन सब बातों से अवगत भी कराया और हमारा एक शिष्टमंडल ADM सिटी के कार्यालय में इस बाबत मिला कि इस नाले को आप पैक करवाइए। ये समस्या प्रशासन ने उत्पन्न ऐसे कर दी कि पहले तो नाले पे पत्थर चौकिए या लकड़ी के पट्टे थे दुकानदारों के तो पैक था, तो बाहरी कचरा उसमें नहीं जाता था। आज उस नाले को जब देखते 1 महीने खुले रहने से आज दुनिया भर का कचरा जाम होने की स्थिति में है नाला, और बाहरी कचरा हवा से उठ के भी पोलोथीन वगैरह जा रहा है और कुछ रह गए हमारे सुपर भाई भी उसमें डाल रहे हैं। तो ये समस्या तो प्रशासन ने नहीं हमारे जसूसर गेट पे उत्पन्न की है, और आप खुद मौका देख ले। आज तक जैसे नाला खुला है तो इस नाले में कोई आदमी भी रात विरात पड़ियो है क्या कोई? यहाँ तो नहीं हुई ऐसी दुर्घटना, लेकिन सैटेलाइट के पास में
जो बड़ा नाला था उसके अंदर दो एक्सीडेंट हो चुके हैं पिछले 3-4 महीने पहले। नाला खुला रहने वजह से मतलब आदमी मर भी चुके हैं शायद तक। मर चुका है और प्रशासन को पूरा वो विस्तार पूर्वक नजारा भी दिखाया है और प्रशासन ने कमिटमेंट किया है हमसे कि 15 दिन में इसका टेंडर करवा करके हम इसको पैक करवा देंगे। उसके बाद में 15 दिन छोड़ के 20 दिन बाद हमारा शिष्टमंडल ADM CT UIT सेक्रेटरी से मिला तो उन्होंने इस बात को हो गए करीबन 20-25 दिन तो उन्होंने हमसे वायदा किया कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसके टेंडर लगे हुए हैं और मैं पैक करा दूंगा। लेकिन आज 20-25 दिन हो गए प्रशासन की इस ओर कोई ध्यान नहीं। बहुत ही विस्तार से बीकानेर जी की जसू जगह की समस्या है बराखी है और भी जी का दुकानदार भी आपसे बात कर सलको बीकानेर ने राम राम घनी घनी खम्मा। गुरु पार्षद साहब ने बहुत अच्छा बताया है कि यहाँ पर नालियों की स्थिति खराब है, सड़कों की स्थिति खराब है। मैं कहना चाहूँगा पिछले 5-7 दिनों के अंदर ही 5-7 दिनों के अंदर ही हमारी गली के अंदर दिन दहाड़े इनकी वाइफ का, ये जो मेरे साथ खड़े हैं, इनकी वाइफ का चेन झपटी की एक वारदात हो चुकी है। 5-7 दिन पहले की बात है, दोपहर की बात है, और वो लड़का जैसे उसके हाथ में नहीं आई वो छुड़ा कर भाग गया। गनीमत यह रही कि कुछ जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आए दिन हमारी गलियों में या पास आसपास के इलाकों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं क्योंकि दुकानें रात भर खुली रहती है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुकानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असामाजिक तत्व जो रात को आते हैं, असामाजिक तत्वों के आने की वजह से रात में वो दारू भी पीते हैं, वो शीशे वहीं रख देते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, गाली गलौज भी होते हैं। कई बार हमारे मोहल्ले के वासियों ने पार्षद साहब को अवगत भी कराया है, बीसा साहब को अवगत कराया है और बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई है। ये सामने आप देख रहे हो एकदम ठीक सामने एक रोड के बीचों बीच एक खंभा है, वहाँ पर आए दिन किसी ना किसी गाड़ी की टक्कर होती रहती है, उसमें कई बार चोटें भी लगी है, अस्पताल भी पहुँचने की नौबत आ गई है, इतने प्रॉब्लम है। और इस मोहल्ले के एक जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर जो हमारे मंदिर के सटा हुआ एक बाथरूम घर बना हुआ है, जो मंदिर मतलब इस गली से आप जा नहीं सकते, इसकी साफ सफाई नहीं होती है। पार्षद साहब जो अभी पहले साफ सफाई वास्ते कर्मचारी गले में आवे भी कौन कदी, जैसे एक बार भारत प्रधानमंत्री जी है मोदी जी वे एक कार्यक्रम चला रहे है स्वच्छ भारत अभियान, तो बीर अंतर्गत तो सगली गलिया में गाड़ियाँ जा रही है, तो सफाई कर्मी आवे या कौन आवे या गाड़ी आवे कौन आवे? सफाई कर्मी आते हैं लेकिन कम तादाद में आते हैं, मतलब कम आते हैं जिस हिसाब से। पहली बात तो हमारी गली में पिछले 20 सालों से सड़क नहीं बनी है, आप इस रोड पर देख लीजिए इसमें सड़क कम है गड्ढे ज़्यादा हैं, आप देख लीजिए अभी लेटेस्ट। और हमारी गली में पिछले 20 साल से सड़क नहीं बनी है, सफाई करो तो ही वही हालत है, नहीं करो तो ही वही हालत है। पार्षद साहब को कई बार अवगत करा चुके हैं लेकिन पार्षद साहब हमारी गली में आने के लिए तैयार नहीं है, आते हैं तो कोई काम नहीं होता है। जसू गेट पर कितना सालों से रह रहे हो आप? मैं सर 20 सालों से रह रहा हूँ। 20 सालों से रह रहे हो और क्या क्या समस्या थाने लाग रही है जिसकी प्रशासन ने झलको टीवी द्वारा झलको बीकानेर द्वारा पहुंचनी चाहिए? सर अभी जसू सर गेट में लेटेस्ट में 4 महीने पहले सड़क बनी है, रूपचंद मोहनलाल से लेकर छोटू मोटू तक सड़क की ऐसी हालत है कि अपने पैदल चले तो अपने को यानी कि गिरने का डर रहता है। और मोहल्ले की तो बात करें, हमारे मोहल्ले के अंदर पहले बीजेपी का पार्षद था और अभी कांग्रेस का पार्षद है। पार्षद को 10 बार कम से कम अवगत करवा चुके हैं कि भाई साहब यहाँ की हालत आके देखो, पर वो कहते हैं ठीक है टेंडर हुआ हुआ है, करवा देंगे। कभी पहले कोरोना आ गया था, कोरोना का इश्यू आने के बाद उन्होंने कहा बस अब जल्दी हम आपका काम करवा देंगे। और रात 10 बजे के आप जसूसर गेट की हालत देखोगे तो यहाँ पर अब क्या बताएं, आपराधिक प्रवृत्ति के कितने लोग। एक छोटा सा बच्चों है जिसको झलको बीकानेर से निवेदन कर रहे थे, मैंने भी बात पूछो क्योंकि सड़क रो मैं खुद भुगत भोगी हूँ। बेटा क्या नाम है थारो? भविष्य। तू इस सड़क पर जा तो जन क्या हो पूरी घटना बता। मैं यहाँ पर जा रहा था तो मार्केट में यहाँ से गिर गया था एक दिन। तू घर से सामान वामान लेने निकले थो या यहीं घूमने निकले? सामान लेने गया था। अच्छा तो बस घर यार तू मम्मी ने क्या कहो कि मैं किया पड़ियो? केन में ऐसे पिसल गया था। बाकी कारण क्या था? सड़क टूटोड़ी भी कारण पड़ी क्या तू? हाँ सड़क की वजह से टूट गिर गया था। और छोटो सो बच्चो हिम्मत कर बता रही हो कि सड़क टूटोड़ी है और पास में सब्जी दुकान है, मैं गली से सब्जी लेने आया था और सब्जी लेने आए चक्कर में मारे पकड़े चोट लागी थी। तो आ स्थिति है जसूस गेट की। अभी अपन थाने में चलना बात करा कि जसूस गेट पर अपराध क्यों बढ़ रहा है, काई कारण है जिसका अपराध बढ़ रहा है। मेरे बाद में पाठ पार्षद साहब से मिल सा कि भाई जसूस गेट विकास वास्ते क्या क्या काम कर चुके हैं और आगे क्या क्या कर सी। अब आर मैं जसूस गेट थाना खड़े खड़ा हाँ, अठारह जी का प्रभारी है बेसू नाम जाना भी और पूछा कि क्या क्या घटना अब घट रही है और क्या क्या कार्रवाई चल रही है। शुभ नाम सर आप? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी जसूस गेट पर बार काफ़ी जिके गतिविधियाँ हो रही है जिके मैं बच्चा अपराध में कर रहा है और कई वीडियो वायरल हो रहा है पूरे टीवी पर, आप क्या कार्रवाई चल रही है? हमारे नियंत्रण ग्रस्त हो रही है और जो भी
वारदात होती है, तुरंत मुकदमा दर्ज करके अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं लारे मोहल्ले में गलियों में जा रहा है, बैठे लोग बोलिया कि अभी दो तीन लाइक कोई सोने चैन चपटो मार लियो, तो वे कह रहा कि रात होती अठे अपराधी का तत्व है, असामाजिक तत्व है, वे जमावाड़ो कर देवे। तो बीरे वास्ते थे कोई विशेष गश्त या अभियान, कोई हिदायत देवो के बेटा थे बेफालतू क्यों बैठो? हमारे यहाँ थाना अधिकारी वे श्रीमान सीओ साहब के निर्देशन में हमारे यहाँ चेतक वे डीओ निरंतर गश्त करती रहती है। वह इलाके में डॉल्फिन है मोटरसाइकिल से गश्त करती है और अपराधियों के धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है। तो ए थाना प्रभारी जी था यह बताया कि लगातार गश्त चल रही है और अपराधी ने छोड़े को नहीं, धरपकड़ भी चल रही है। और मैं वही चाहूँ कि जसूस गेट पर हमेशा शांति बनी रहे, पूरे बीकानेर में शांति बनी रहे और इोरा सहयोग बनो रहसी तो अपराधी कभी अपराध कर कौन सके। अबार मैं जसूस गेट राज्य का पार्षद साहब है शिव शंकर जी बिस्सा भी अरे ऑफिस आके खड़ा हूँ, ऑफिस बंद है और यह लड़का बता रहा है कि वे बॉम्बे गए हुए हैं, बात करो। पिताजी अभी कट है आपका? एक्चुअली कोई एमरजेंसी आने वजह से बॉम्बे गए हुए हैं और अभी आने वाले हैं 12:30-1 बजे तक। और मैं एक ट्राई भी कर रहा हूँ फ़ोन लगा पर अभी जी का सुबियर भी बात रखी जावे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अभी शिवशंकर जी है रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है तो शायद वे रेस्ट भी कर रहा उसी, तो आ सारी बात अपा राखी जसूस गेट रही, पक्ष हुए विपक्ष हुए ई वास्ते दोनों से बात करनी जरूरी है। जनता कह रही है काम हो नहीं रही है, पार्षद साहब मिलता तो मैं बताता क्या क्या काम भी करिया है। अबे आप वो वीडियो देखिए, आप देखिए सड़क की सिचुएशन, मेरे अलावा आप सारा लोग भी जसूस गेट से निकले हो, तो आपने क्या लागे क्या वास्ते में जसूस गेट ने काम की जरूरत है क्या? कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो, कॉमेंट लिखो और अगर थाने मारी यार कवरेज चोखी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मोरे चैनल ने सब्सक्राइब भी करो। मैं विजय, कैमरामैन देव करड़ू साथ है, आ कवरेज करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।